योगी ने बना लिया प्रदेशवासियों के लिए नए साल का पूरा प्लान। शहर से लेकर गांव तक शिक्षा स्वास्थ्य स्किल का रखेगी पूरा ध्यान। यूपी के हर एक गांव में लगाए जाएंगे रोजगार के लिए बैंकों का कैंप। हर किसी को मिलेगा पूर्ण रूप से रोजगार, नहीं होगा कोई बेरोजगार। योगी के इस मास्टर प्लान का क्या कुछ है पूरा प्लान, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। साल 2023 जैसे शुरू हुआ, केंद्र से लेकर सभी राज्यों की सरकार ने भी अपने अपने प्रदेशवासियों के लिए तमाम बड़ी घोषणाएं करनी शुरू कर दी। इनके घोषणा में तमाम तरह की योजनाओं को शुरू करने के साथ उसका लाभ प्रदेशवासियों को देने की बात कही गई है। रोजगार से लेकर शिक्षा, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से लेकर सड़क बिजली पानी, हर एक में सभी सरकारों ने साल 2023 में अपने प्रदेशवासियों को बेहतर तरीके से सुख सुविधा मुहैया कराने की बात कही है। वहीं आप भी जानते होंगे कि देश के सभी राज्यों में से नंबर एक सरकार योगी सरकार है, जिसके हर एक काम की तारीफ पूरे देश में होती है। योगी के हर एक प्रोजेक्ट से दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी सीखते हैं और उन्हें धरातल पर लेकर आते हैं। योगी आए दिन अपने प्रदेश के हित में कुछ बड़ा फैसला लेते हैं और उस पर जल्द काम शुरू करते हैं। योगी अपने प्रदेश का हर एक तरीके से बेहद ज्यादा खास ख्याल रखते हैं और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर एक योजनाओं पर वो कड़ी नजर भी रखते हैं। साथ ही घर घर तक सभी योजनाओं को पहुंचाने का पूरा कार्य उनके अधिकारी पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। योगी राज में किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफियागिरी या किसी भी तरीके से गलत काम करने वालों की रूह कांपती है। इस बीच नए साल पर योगी ने सभी राज्यों से हटकर अपने प्रदेश के लिए एक ऐसी घोषणा की है, एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसे सुनकर पूरा यूपी खुशी से झूम उठा है। योगी ने प्रदेश में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मंसूबे पर काम करते हुए घर घर तक रोजगार और ये सभी सुख सुविधाएं देने की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने रोजगार बैंकों का कैंप लगाने की बात कही है। इस खबर को आप पूरा देखें ताकि योगी के इस मिशन का पूरा फायदा आपको मिल सके। योगी सरकार प्रदेश के सभी गांव में लगाएगी रोजगार बैंक कैंप। आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर यूपी को लेकर तमाम तरह की बड़ी घोषणाएं की हैं और बीते 6 साल के अंदर क्या कुछ मिला है और कैसे किस तरीके से उनकी सरकार ने काम किया है, उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। योगी ने कहा कि यूपी में मात्र 8 माह में ही 86 विकास खंड राज्य के औसत के बराबर आ गए। मार्च 2022 तक प्रदेश के 99 विकास खंड राज्य के औसत से पीछे थे, अब सिर्फ 13 बचे हैं। ये सब कुछ मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शोधार्थियों की कड़ी मेहनत से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी गांव में खुद से रोजगार उपलब्ध कराने पर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए हम हर ग्राम पंचायत में रोजगार बैंकों का कैंप लगवाएंगे, जिसमें हमारा मकसद होगा प्रदेश की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना, जिसके लिए हमने अभी से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू होगा। ये कार्यक्रम विकास खंड की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वहीं किसानों को लेकर भी योगी ने कहा कि हमें किसानों की लागत को कम करते हुए उनके उत्पादन को बढ़ाना है। इसके लिए पेस्टिसाइड की छिड़काव को लेकर किसानों को ड्रोन ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी मिलेगी। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए हर विकास खंड में कौशल विकास के कैंप लगवाए जाएंगे। इसके साथ योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी की 75 साल पूरे होने पर विकसित भारत की परिकल्पना की थी, अब उनके कल्पना को पूरा करने का भी समय चल रहा है। इसमें हमारे शहरों के साथ साथ ब्लॉक और जनपद की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 trillion की इकोनॉमी बनाने में हर जनपद और ब्लॉक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहाँ की मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल भी है और प्रेरणा का कार्य कर रही है। नीति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के ब्लॉक, सिटी और जनपद के विकास कार्यक्रम में पूरा सहयोग भी करेगा। फिलहाल योगी के इस प्रोजेक्ट पर यूपी के सभी आला अधिकारियों ने अपने अपने जिले ब्लॉक में काम करने शुरू कर दिए हैं और जल्द ही ये धरातल पर भी शुरू हो जाएगा। योगी के इस मास्टर प्लान पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।